तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय धर्मेंद्र के पोते करण देवल की शादी को लेकर खूब चर्चा की जा रही है। करण देवल ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड दिशा आचार्य के साथ 18 जून को शादी कर ली है। इनकी शादी में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं और वहीं पर देवल परिवार ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों ने शादी के किसी भी फंक्शन में हिस्सा नहीं लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा था कि सनी देवल ने अपनी दोनों बहनों ईशा देवल और आहना देवल को शादी पर आने के लिए पर्सनली इन्वाइट किया था, लेकिन हेमा मालिनी के साथ ही इन दोनों ने भी शादी के कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किए। शादी के दो दिन बाद ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर करण और उनकी पत्नी को शादी के लिए शुभकामनाएं जरूर दी हैं। इसी दौरान जब धर्मेंद्र से हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों के शादी में शामिल ना होने का कारण पूछा गया तो धर्मेंद्र भड़क गए। धर्मेंद्र ने मीडिया वालों को खूब खरी खोटी सुनाई है। मीडिया के एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आज भी आपके परिवार वालों ने हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को नहीं अपनाया है। इस पर धर्मेंद्र का रिएक्शन बहुत ही गुस्से वाला था। उन्होंने कहा कि आप लोगों को इससे क्या लेना देना है, वो शादी में आए या ना आए, उन्होंने शादी का फंक्शन अटेंड किया या नहीं किया, इससे क्या मतलब। दोस्तों, इसी कड़ी में बताते चलें कि हेमा मालिनी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो किसी की खुशियों को खराब नहीं करना चाहती हैं और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहती हैं, और इसीलिए वो देवल परिवार से एक मर्यादा दूरी बनाए रखती हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन द्वारा ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।